चलिए आइए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं 9.2.2 पार्ट 2 स्टैंजा 3, 4 एंड 5 द ब्लॉक्स डॉट 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 व्हाट नेक्स्ट ऑकर्ड. नाउ लेट अस रीड द अबव स्टैंजास एंड फाइंड आउट व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. अब अगर हमारे वीडियो को आप लाइन से देख रहे हैं तो इससे आगे में आप पढ़ चुके हैं स्टैंजा 1 और 2. अब हम लोग स्टैंजा 3, 4 एंड 5 पढ़ेंगे. Of all the events in Olympics, the 100-meter race is the most prestigious. Olympics में जितने भी events होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो prestigious event है वो है 100-meter race. The athlete who wins it is remembered as the fastest man in the world. अब जो खिलाड़ी इसको जीता है उसको दुनिया में सबसे fast आदमी माना जाता है. So, for Special Olympics mentioned in the poem, this is the final event, hence the most prestigious. तो यहाँ पे जो ये Special Olympics हो रहा है, जैसा कि हम लोग poem में पढ़े थे, उसका ये final event है, last event है, जो कि बहुत ज़्यादा prestigious है. The 100-yard race is about to begin. 100-yard race चालू होने वाला होता है. The athletes take position at the starting blocks. अब एथलीट्स क्या है, खिलाड़ी जहां से रेस चालू करना है वहां पे खड़े हो जाते हैं एक एक करके और पोजीशन ले लेते हैं. दे बिगिन टू रन इमीडिएटली आफ्टर द स्टार्टिंग पिस्टल इज फायर. जैसे ही पिस्टल फायर किया जाता है वो लोग दौड़ना चालू करते हैं. हाउएवर वन ऑफ देम इज अनएबल टू रन एंड फॉल्स ऑन द ट्रैक. लेकिन उनमें से एक दौड़ नहीं पाता है और वह उस ट्रैक में गिर जाता है. द एक्शन हैज बिगन एंड ऑलरेडी वन एपिसोड हैज टेकन प्लेस. एक्शन चालू हो चुका होता है और एक एपिसोड हो जाता है. नोटिस हाउ 8 कॉन्टेस्टेंट्स आर स्ट्रॉन्ग एंड रन फॉरवर्ड व्हाइल द 9th हु इज द स्मॉलेस्ट फॉल्स डाउन. यहां ध्यान दीजिए कि किस तरह से 8 कंटेस्टेंट जो कि बहुत ही स्ट्रांग है वो आगे की तरफ दौड़ते हैं और जो 9वां है जो कि सबसे छोटा है वो नीचे गिर जाता है. ही क्राइज आउट विद द पेन ऑफ डिसअपॉइंटमेंट. वह दुखी हो जाता है और डिसअपॉइंट होने की वजह से वह बहुत जोर से चिल्लाता है. ही हैज ट्रेन्ड हार्ड बट डज नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी टू शो हिज टैलेंट. वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है लेकिन उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है कि वो अपना टैलेंट दिखा सके. ऑल हिज ड्रीम्स ऑफ विनिंग द मेडल आर ब्रोकन एंड डिस्ट्रॉयड. उसके मेडल जीतने के, पदक जीतने के जितने भी सपने थे वह एक ही पल में टूट जाते हैं और बर्बाद हो जाते हैं. Let us see what happened next. अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि फिर क्या हुआ था कहानी में, लेकिन उससे पहले हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे जितना पोर्शन हम लोग अभी पढ़े हैं. इन टेक्स्ट क्वेश्चन 9.2. रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स. अब देखिए ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है. इस तरह से एग्जाम में आपको जब क्वेश्चन आएगा तो ध्यान दीजिएगा, आपको क्वेश्चन उतारना है पहले, उसके बाद ट्रू और फॉल्स करना है. ठीक है, तो चलिए एक एक करके मैं पढ़ूंगा. जो ट्रू होगा उसके आगे ट्रू लिखूंगा, जो फॉल्स होगा उसके आगे फॉल्स लिखूंगा. ए द 100-yard डैश वॉज अ लॉन्ग जंप इवेंट. फॉल्स, ये लॉन्ग जंप इवेंट नहीं होता है. द एथलीट्स वर अ लिटिल नर्वस. फॉल्स, जो खिलाड़ी है वो नर्वस नहीं होते हैं. द एथलीट्स रन बिफोर द सिग्नल वॉज गिवन. फॉल्स, जो एथलीट है वो सिग्नल के पहले नहीं भागे थे, जब गन शॉट किया गया था उसके बाद ही वो भागे थे. वन ऑफ द एथलीट्स कुड नॉट रन. ट्रू, एक जो एथलीट है वो दौड़ नहीं पाया था. द वर्ड एक्सप्लोडेड इज यूज फॉर द फायरिंग ऑफ द पिस्टल. वॉट डज द फ्रेज सो डिड द रनर्स इन लाइन 2 एंड ऑफ स्टैंजा 4 मीन. अब देखिए ये जो पोयम है इसमें एक वर्ड यूज किया गया है एक्सप्लोडेड. वो किसने इस्तेमाल किया गया कि जो पिस्टल है उसको फायर किया जाता है, गोली चलाया जाता है. अब एक फ्रेज है सो डिड द रनर्स, ये कहां पर है, स्टैंजा 4 के सेकंड लाइन में. इससे मतलब क्या है. द फ्रेज सो डिड द रनर्स मींस दैट द रनर्स रन फॉरवर्ड इमीडिएटली आफ्टर द पिस्टल एक्सप्लोडेड फॉर द स्टार. द फ्रेज जो है सो डिड द रनर, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे ही बंदूक चलाया गया वैसे ही जो दौड़ने वाले लोग हैं, जो एथलीट्स हैं, वो आगे की तरफ दौड़ पड़े. हाउ वर द ड्रीम्स ऑफ वन ऑफ द कॉन्टेस्टेंट्स डैश्ड इन द डर्ट. किस तरह से एक जो कॉन्टेस्टेंट्स है, एक खिलाड़ी के जो सपने हैं वह मिट्टी में मिल जाते हैं. द ड्रीम्स ऑफ वन ऑफ द एथलीट्स वर डैश्ड इन द डर्ट व्हेन ही स्टंबल्ड एंड फेल ऑन द ग्राउंड एंड कुड नॉट टेक पार्ट इन द रेस. एक खिलाड़ी के सपने धूल में इस तरह से मिल जाते हैं जब
लड़खड़ा के गिर जाता है और वो उस रेस में भाग नहीं ले पाता है। He was disappointed as it finished his chances of winning the race which he had been looking forward to for a long time. वो बहुत ही दुखी हो जाता है क्योंकि उसका जो मौका है ये रेस जीतने का वह खो चुका होता है वो, और इस रेस को जीतने के लिए वो काफी दिनों से प्रैक्टिस कर रहा होता है। Notice how the words stumbled and staggered in line 3 of stanza 4 go together. Find a similar pair of words in stanza 5. अब स्टैंजा 5 में ऐसा कौन सा वर्ड है जो एक दूसरे के साथ जा रहा है, जैसे यहाँ पे stumbled and staggered जा रहा है। Frustration and anguish are a similar words in stanza 5. Frustration और anguish ये एक similar words है, इनका मतलब same है जो कि हम लोग स्टैंजा 5 में इस्तेमाल किए हैं। अब देखिए आगे देखिए question number 5. Complete the following statement using the correct option from those given below. नीचे option दिया हुआ है understanding, confusion, suspense. अब ये use करके हम लोग को यहाँ पे लिखना है। The line, the same goes for what next occurred, creates suspense. अब देखिए ये जो बोलता है कि आगे जो हुआ वो भी ऐसा ही कुछ था, तो इससे क्या होता है, एक सस्पेंस की फीलिंग आती है, सस्पेंस। सस्पोज यू वर द कॉन्टेस्टेंट हु फेल डाउन एट द बिगनिंग ऑफ द रेस। मान लीजिए कि आप कॉन्टेस्टेंट हैं जो कि जैसे ही रेस चालू होता है आप गिर जाते हैं। What would you have done? आप क्या करते? Discuss with your friends and write in a few sentences. अपने दोस्तों से ये बात कीजिए और कुछ sentences में इसका आंसर लिखिए। If I were the contestant who fell down at the beginning of the race, I would have tried to stand up and continue the race. अगर मैं वो contestant होता, मैं वह खिलाड़ी होता जो कि रेस चालू होते हुए गिर जाता, तो मैं खड़ा होता और उस रेस में फिर पार्ट लेता। I would have put an extra effort to make up for lost time. जो समय बर्बाद हुआ उसके लिए मैं और मेहनत करके एफर्ट लगाता। After all, it is a matter of prestige also. क्योंकि यह इज्जत की भी बात होती है। I may not have won the race, but I would compete well. मैं वो दौड़ नहीं जीतता, लेकिन मैं अच्छे से कंपटीशन कर पाता। देखिए आंसर आप अपने हिसाब से ये लिख सकते हैं, हमेशा याद रखिएगा। नाउ लेट अस डू 9.2। चलिए अब 9.2 हम लोग करते हैं। फाइंड आउट फॉर विच पोजीशन द ब्रॉन्ज, सिल्वर एंड गोल्ड मेडल्स आर अवार्डेड इन द ओलंपिक्स। नेम एनी टू इंडियंस हु हैव पार्टिसिपेटेड इन द ओलंपिक्स। अब आप पता कीजिए कि जो ओलंपिक्स है उसमें ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड मेडल कौन कौन से पोजीशन के लिए दिया जाता है। साथ ही साथ आपको यह भी बताना है कि ओलंपिक्स में भारत से किन्हीं दो लोगों का नाम जो कि ओलंपिक्स में पार्ट लिए हैं। गोल्ड मेडल इज गिवन फॉर द फर्स्ट पोजीशन, सिल्वर फॉर द सेकंड एंड ब्रॉन्ज फॉर द थर्ड। जो सबसे पहला पोजीशन में आता है उसको गोल्ड मेडल मिलता है, सेकेंड वाले को सिल्वर, थर्ड वाले को ब्रॉन्ज। गगन नारंग इन शूटिंग एंड सुशील कुमार इन रेसलिंग हैव पार्टिसिपेटेड इन इंडिया, या आर टू इंडियंस हु हैव पार्टिसिपेटेड इन द ओलंपिक्स। ठीक है, ये दो लोग हैं। आप कंप्लीट सेंटेंस में एग्जाम्पल लिखेंगे, आंसर लिखेंगे। हैव यू और एनी वन यू नो फेस्ड अ मेजर डिसअपॉइंटमेंट। क्या आप या आपके जान पहचान में कोई ऐसा है जो कि बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं कभी? हाउ डिड यू ही और शी डील विद। किस तरह से आप या जिन आपकी जान पहचान में जो डिसअपॉइंट हुए थे वो इस चीज से डील किए थे। डिस्कस यूजिंग द फॉलोइंग की क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चंस आपको डिस्कस करना, आपको आंसर मिलेगा। व्हाट वाज द इवेंट, घटना क्या थी। व्हाट हैड हैपेंड, हुआ क्या था। हाउ डिड आई ही शी फील, कैसा फील हुआ था। व्हाट डिड आई ही शी डू, आप क्या किए थे या वे क्या किए थे। वॉज माई बिहेवियर और हिज बिहेवियर और हर बिहेवियर अप्रोप्रिएट, उसमें जो आपका व्यवहार था क्या वह ठीक था। Could I, he, she have done something better in that situation? क्या आप या वो लोग इस सिचुएशन में कुछ अच्छा कर सकते थे। अब अपने मन से आप इसका आंसर लिख सकते हैं या तो आप ये भी लिख सकते हैं। It was a district level event. वह एक district level का event था। Suresh used to be the district champion in high jump. Suresh, यहाँ पे एक imaginary name लिया गया है, आप कोई भी name ले सकते हैं। वो high jump बोल के एक sport event होता है, उसमें district champion है। He could not even come third. वो तीसरा भी नहीं आ सकता था। On the day of the competition, he slipped and fell down.
ही हैड अ स्मॉल क्रैम्प ऑन हिज लंग. जिस दिन कॉम्पिटिशन था वो फिसल जाता है और नीचे गिरता है और उसके पाँव में खिंचाव पड़ जाता है. इट वॉज एन अनफॉर्चुनेट फॉर हिम. वह उसके लिए दुर्भाग्यवश था. ही फेल्ट वेरी बैड अबाउट इट. उसको बहुत खराब लगा. ही वॉज प्रैक्टिसिंग फॉर द होल ईयर फॉर द कॉम्पिटिशन बट ऑन द डे ही कुड बी लकी टू विन इन द कॉम्पिटिशन. वो पूरे साल उस कॉम्पिटिशन के लिए प्रैक्टिस कर रहा था लेकिन उस दिन वो इतना लकी नहीं था और वो बन सकता था लकी कॉम्पिटिशन जीतने के लिए, लेकिन उसको चोट लग गया इसीलिए वो भाग नहीं ले पाया और वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था.